स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी, ओ सॉरी दोस्तों आज है 6 जुलाई और आज हो रही है हमारे खेतों में बोनी। तो दोस्तों देखिए हम लोग लेट हो गए 6 जुलाई, काफ़ी ज़्यादा तो लेट नहीं हुए फिर भी हम लेट हो गए क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं गिरा था, अभी गिरा है 2-3 दिन पहले। और आज हम बो रहे हैं मक्का और अभी धान वाले खेतों में अभी चलने लायक स्थिति नहीं हुई है, धान भी बोबेगी लेकिन वो कल बोबेगी, उसका ब्लॉग भी आएगा। आज मक्का बो रहे हैं, ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ही सामने ट्रैक्टर खड़ा है। दोस्तों आप कहाँ से हो और आपके इधर बोनी हुई या नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये इधर सामने खड़ा है हमारा शेर ट्रैक्टर और ये बोनी मशीन, इसमें अभी बीज डालेंगे अपन, इस खेत को बोना है अपने को आज। हेलो दोस्तों देखिए हम ये वाली मक्का बो रहे हैं हमारे खेत में और ये ट्रैक्टर इधर बोनी मशीन भरा चुकी है, हाईब्रिड की है, 250 रुपये किलो की आई है, 1 किलो 250 रुपये की, ये सब ये 5-5 किलो के 5 पैकेट हैं ये पड़े हैं, हमने इसमें डाल दी। ये देखिए दोस्तों ये लाल मक्का है, एकदम हाईब्रिड का बीज है, अच्छा बड़ा दाने वाला बीज है और ये ट्रैक्टर जा रहा है। हो चुका है और एक चक्कर जा चुका है इधर से, ये देखिए और गीला बढ़िया हीट रहा है, 1 नंबर हीट रहा है गीला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खेत में अच्छा गीला है, बहुत बढ़िया है। अभी अपन 72 घंटे इसमें दवा डालेंगे तो अच्छी असर करेगी। दोस्तों एक चक्कर लगा है, इसके बाद में याद आया कि अपन ने 9 चांस से बो दिया है तो फिर इसके बाद में 5 चांस से बोने के लिए इसके छेदों में मट्टी लगा रहे हैं हम, मक्का 5 चांस से ही बोती है। और ये यहाँ पर हमारी सेटिंग करने के बाद में ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और बहुत तेज बोनी हो चुकी है इधर से, ये इतनी अभी इतना और बोना बचा हुआ है और आपको दिखाता हूँ बीज कैसा गिर रहा है खेतों में। रुकिए अभी कुछ इस प्रकार है, एक बीज यहाँ गिरा हुआ है और एक और देखते हैं अपन, एक यहाँ फिर यहाँ, यहाँ मक्का ठीक गिर रही है, मक्का तो खैर थोड़ी सीधी ही गिरना चाहिए, बाकी सही है, चल रही है बोनी। यह ट्रैक्टर सोनाली का 55 RX सिकंदर बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है जो कि हमारे खेत में चल रहा है, बहुत ही पावरफुल शेर ट्रैक्टर। इसी बच्ची कंप्लीट ही होने वाला है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर खाद पड़ा था, वो हमने पूरे में फिलवा दिया है एकदम मस्त। और ये पड़ा है अब, ये अच्छा इस साल बरसात का पानी लग जाएगा, बन जाएगा जब इसको अगली साल पूरे खेत में और फिलवा देंगे। और बोनी का थोड़ा सा ही बचा हुआ है, खेत की बोनी हो चुकी है कंप्लीट, ये देखिए अब जा रहे हैं हम थोड़ा उधर आगे वाले खेत में बोनी करने। और दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, इस ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नेक्स्ट खेत का अगली वीडियो में ब्लॉग डालूँगा। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन कौन किसान है और आप लोगों ने अपने खेतों में क्या क्या बोया है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।